प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया का सपना हरियाणा के जिन जिला प्रशासन ने पूरा करने की कोशिश की है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने जिले के दो गांव बिशनपुरा और जयपुर गांव का पूरा भू रिकॉर्ड आधार से जोड़ दिया है। ऐसा करने वाला जींद जिला देश का पहला जिला बन गया है। जिला प्रशासन ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत इन दो गांवों का चयन किया था। इस कॉन्सेप्ट को माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने उद्धृत किया कि ये कॉन्सेप्ट करना चाहिए। फॉर्चुनेटली हम सबकी खुशी के लिए कि जींद जिला भारत का पहला जिला सिलेक्ट हुआ है, जिसके तहत रेवेन्यू रिकॉर्ड को जो जोड़ने का काम, आधार से जोड़ने का काम इस जिले से हम लोग करने जा रहे हैं। भू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर फर्जी रजिस्ट्रियों के जरिए जमीन हड़पने की हो रही शिकायतों से निजात दिलाने के लिए जींद के डीसी अजीत बालाजी जोशी ने करीब 6 महीने पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जिले के दो गांवों जयपुर बिशनपुरा के भूमि रिकॉर्ड को आधार से लिंक करने की कवायद शुरू की थी। दिल्ली में पीएम मोदी ने गांवों का डिजिटलाइजेशन करने को लेकर एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पीएम ने आधार नंबर के साथ भू रिकॉर्ड को जोड़ने का काम जींद जिला से शुरू करने की बात कही थी, जिसके तहत दोनों गाँवों के प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल लॉकर खोला जाएगा। फिलहाल बिशनपुरा गाँव में 350 लोगों के लॉकर खोले जा चुके हैं। डिजिटलाइजेशन के तहत गांव के हर व्यक्ति को ऑनलाइन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली फर्जीवाड़ा कर फर्जी रजिस्ट्री नहीं करवा सकेगा। दो ऐसे गांव बनने जा रहे हैं देश में पहली बार, जिनका रेवेन्यू रिकॉर्ड विल बी सीडेड विद आधार। पिछले 15 दिन के परिश्रम हमारे सभी अधिकारी का ड्यूटी हमने लगाया था। 100% गांव के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो चाहा है कि पीडीएस के 100% लिंकेजेस उसमें आधार से हो, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि उन सब के डिजिटल लॉकर हम लोग बने जा रहे हैं। वो गांव, ये दोनों गांव हमारे इनिशियल स्टेज पे जो पायलट पे हमने लिए, वो जो भारत के पहले गांव इस तरह से होंगे, इसमें सभी परिवारों के डिजिटल लॉकर खुलेंगे। आज डिजिटल लॉकर एक फैसिलिटी हम लोग जो भारत सरकार ने और माननीय प्राइम मिनिस्टर ने जो विजुअलाइज किया है, उसी तहत हम उसको यूटिलाइज करते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक पट्टा रजिस्टर जब उसको इश्यू होगा, पट्टा उसका रजिस्टर इश्यू होगा, तो वो उसका डिजिटल लॉकर में जाएगा और उसकी सभी लिंकेजेस, उसको बार बार फिर उसकी कॉपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप लिंकेजेस उसकी हमारी बाकी सिस्टम्स के साथ उसको जोड़ने का संकल्पना हम लोगों ने किया हुआ है। बहरहाल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, एलपीजी, बुढ़ापा पेंशन, सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली आदि को सभी को आधार नंबर से जोड़ने की कवायद के बाद अब खेत खलियान भी इससे जुड़ने शुरू हो गए हैं, जो वाकई में भ्रष्टाचार से निपटने में काफी कारगर सिद्ध हो सकता है। लेकिन जींद जिला से इसकी शुरुआत होना कहीं न कहीं हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि भी है। रमेश सिंगरोहा, टोटल न्यूज, जींद।